एक स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। लेकिन आप क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों में मन लग जाता है, लेकिन पढ़ने का नाम सुनते ही दिमाग सुस्त हो जाता है। इधर उधर की फालतू बातें याद आने लगती है, 100 तरह के काम याद आने लगते हैं। बोलिए, ऐसा ही होता है ना? पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आपके जिंदगी का ना कोई मकसद ही नहीं है। घर वाले पढ़ने बोलते हैं, पढ़ाई करने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो आप भी बस नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र निकलती है, हमें समझ आने लगता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितना जरूरी था। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अभी तो आप मस्त ऐसो आराम से दिन काट रहे हो ना, बाद में आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा? सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट करते हो और फिर सुबह अलार्म बजते ही उसे बंद करके वापस सो जाते हो। जब तक सूरज सर पर ना चढ़ जाए, आंख ही नहीं खुलती। और जैसे तैसे उठ जाने के बाद फिर बारी आती है स्मार्टफोन की। बिस्तर पर पड़े पड़े फोन में गेम्स खेलकर, सोशल मीडिया में चमकते चेहरे देखकर या रील्स देखकर दिन भर गुजार देंगे। और फिर शाम होते ही दोस्त के साथ बाहर घूमने जाने का मन करने लगता है। 2-3 घंटा दोस्त के साथ बर्बाद कर देने के बाद मन किया तो थोड़ा कॉपी किताब खोल लिए, वरना ऐसे ही सो गए। और फिर अगले दिन का भी ऐसा ही सेम रूटीन। सोचेंगे, अरे अभी तो एग्जाम के लिए 2 महीने बाकी है, बहुत समय है मेरे पास, हर रोज 4-4 घंटे पढ़ूंगा तो आराम से मेरे 75% आ जाएंगे। लेकिन 4 घंटे तो छोड़ो, 4 मिनट भी नहीं बैठ पाते। एग्जाम के 1 महीने पहले सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अगर मैं अभी भी रोज 2-3 घंटे पढ़ूंगा तो 60% तो आ ही जाएंगे। लेकिन ये महीना भी मस्ती में ही पार हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और 1 वीक पहले सोचेंगे कि आज से पूरे हफ्ते 10-10 घंटे पढ़ूंगा तो आराम से पास हो जाऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 2 महीने पहले 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाया, वो अब 10 घंटे पढ़ाई करेगा? इम्पॉसिबल। और एग्जाम से 1 दिन पहले दुआ करेंगे भगवान से कि हे भगवान, मैं अभी जो कुछ भी पढ़ रहा हूं वो सभी एग्जाम में आए। लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या होगा आप भी अच्छे से जानते हो। और फिर रोते रहेंगे कि काश मैंने थोड़े अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं भी अच्छे रिजल्ट का जश्न मना रहा होता। लेकिन अब भी समय है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम चाहे तो सब वापस सही कर सकते हैं। हमें बस अपने मन और शरीर को काबू में करना होगा। हमारा ये मन सबसे ज्यादा आवारा होता है। पढ़ने बैठोगे तो सामने रखी 10 चीजों की तरफ ध्यान जाएगा। मन करेगा थोड़ा फोन यूज कर लो, आपका फोन आपसे नहीं कहता कि मुझे यूज करो, आपका ये मन आवारा हरकत करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही आंख भारी होने लगेगा, हमारा ये शरीर कहने लगेगा कि थोड़ा देर आराम कर लो फिर पढ़ लेना। लेकिन अगर आपने यहाँ आराम को चुन लिया तो वापस किताबों की ओर लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दृढ़ निश्चय कर लो कि मेरा मन या मेरा शरीर कुछ भी कहे, लेकिन मैंने फैसला किया है पढ़ने का तो मैं बस पढ़ूंगा। अभी कसम खा लीजिए कि कल सुबह की पहली अलार्म में ही उठ जाऊंगा और ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट ही पढ़ूंगा और फिर मन किया तो वापस सो जाऊंगा। एक बार बस ये करके देखो, फिर देखना कैसे 15 मिनट की पढ़ाई घंटों में बदल जाएगी। किताब पकड़ने से पहले खुद से गुस्से में कहो कि जब तक मेरे हाथ में किताब है तब तक मोबाइल की तरफ नहीं देखूंगा। आपको एग्जाम से 1 महीने पहले 12-12 घंटे नहीं, बल्कि 12 महीने हर रोज बस 4-4 घंटे ही पढ़ने बैठना है। दोस्त, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ महसूस होगी, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं। लेकिन हाँ, यहां कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। एक बार इस रूटीन की आदत डाल लीजिए, फिर देखना आप अपने रिजल्ट से लोगों को कैसे अचंभित करा देंगे कि ये तो बस मुश्किलों से पास हुआ करता था, अचानक कैसे 90% रिजल्ट ले आया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।